क्या हो अगर कोई बिना रुके नॉन स्टॉप 24 घंटे ग्लोरी पुशिंग करे तो क्या उसको इंडिया का टाइटल मिल पाएगा? बस यही जानने के लिए मैं ग्लोरी पुशिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ कोई ऐसी वेपन जिसकी ग्लोरी इंडिया में सबसे कम हो, और बहुत देर मेहनत करने के बाद मेरे को एक ऐसी वेपन मिल भी जाती है जिसकी इंडिया की टॉप 100 की ग्लोरी बहुत ज्यादा कम होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं ग्लोरी पुशिंग स्टार्ट कर देता हूँ छोटे वाली दो शॉट में, और बहुत इजिली लैंडिंग करते हैं मेरे को छोटू दो शॉट मिल भी जाती है, और एक किल दो किल तीन किल करते ही मेरे को 100 का वेपन ग्लोरी भी मिल जाता है। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम होती है कि 24 आवर्स नॉन स्टॉप हमको ग्लोरी पुशिंग करनी होती है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग को स्टडी भी करनी होती है, कॉलेज का कुछ मेरा प्रोजेक्ट वर्क भी होता है मेरे को वो भी करना होता है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग 24 आवर ग्लोरी पुशिंग तो करें लेकिन एपिसोड में। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब हम लोग ग्लोरी सिर्फ 24 घंटे ही पुशिंग करेंगे और उसका मैं आप लोग को प्रूफ भी दूंगा, लेकिन उसको हम लोग टोटली 4 एपिसोड्स में कंप्लीट करेंगे। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद अपने किसी एक सब्सक्राइबर को ये आईडी गिफ्ट कर देंगे। इस आईडी में आपको कुछ बंडल 40-50 लेवल ऑलमोस्ट मास्टर रैंक और एक इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल देखने को मिलेगा। और अगर इस सीरीज का कोई एक भी एपिसोड 20 के व्यूज क्रॉस करता है तो इस आईडी में मैं आप लोग को एक वीकली मेंबरशिप भी करके दे दूंगा। और इस आईडी का विनर बनने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल एंड तक देखना है। और जिसने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से ड्रॉप करना। अब जो हमारा पहला ही मैच स्टार्ट होता है वो होता है बरमूडा में, और हम लोग लैंडिंग करते हैं बीमा शक्ति में, क्योंकि बीमा शक्ति में होता है ब्लू जोन, और ब्लू जोन में छोटू दो शॉट का ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा होता है। बहुत देर ढूंढने के बाद हमको छोटू दो शॉट मिल भी जाती है, और यहाँ पर यूएवी लाइट होती है तो मेरे को दो एनिमीज की लोकेशन भी पता चल जाती है, और ये दोनों ही एनिमी फाइट भी कर रहे होते हैं। सो ये वाले एनिमी के ऊपर मैं रश करता हूँ, ओके एनिमी डैमेज है, सो यहाँ पर मैं जंप करता हूँ और जंप शॉट कनेक्ट होता है भाई पूरा रेड नंबर से, और यहाँ पर मैं इसको एलिमिनेट करके इसके लूट बॉक्स से लूट करता हूँ। दूसरा वाला एनिमी मेरे को डैमेज करने लगता है, यहाँ पर मैं स्कोप को इन करता हूँ और भाई पूरा रेड वाइट का मिक्सर इसको भी कनेक्ट होता है। देन थोड़ी देर लूट करने के बाद मेरे को पता चलता है जिसको जंप शॉट कनेक्ट हुआ होता है वो एनिमी अपने लूट बॉक्स में वापस से लैंडिंग करता है। देन M60 से डैमेज करता हूँ, देन शॉटगन से भी डैमेज करता हूँ, लेकिन वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है और हम लोग के 3 किल हो जाते हैं। अब क्योंकि मैंने पहला किल भाई पूरे रेड नंबर से कनेक्ट किया होता है तो यहाँ पर मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कम टाइम में ज़्यादा ग्लोरी चाहिए होती है। जिसे ये नहीं पता कि कम टाइम में ज़्यादा ग्लोरी कैसे लेते हैं तो आओ मैं बताता हूँ। अगर आप लोग अपनी फेवरेट वेपन से हेडशॉट से किल करते हो और टॉप 20 या 25 में एलिमिनेट देते हो तो आपको उस वेपन की 100 ग्लोरी मिल जाएगी, बट ये सिचुएशन आपकी रैंक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपकी रैंक मास्टर या ग्रैंड मास्टर है तो आपको गेम को और ज्यादा सर्वाइव करना पड़ सकता है, बट वहीं अगर आप लोग किल बॉडी शॉट से करते हो लाइक दिस, यहाँ पर M1887 से मेरा पहला किल, फिर दूसरा किल और तीसरा किल भी निकल जाता है तो यहाँ पर मेरे को 80 ऑलमोस्ट 100 का ग्लोरी मिल जाएगा। अगर आप लोग हेडशॉट से किल करते हो तो आपको एक किल में 80-100 ग्लोरी मिल जाएगा, बट अगर आप लोग बॉडी शॉट से किल करते हो तो आपको 80-100 ग्लोरी 3-4 किल में मिलेगा। अब जिसे अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा ग्लोरी कैसे मिली तो मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग गेम को पूरा एंड तक खेलते हो तो आपको 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन वहीं अगर आप लोग अपनी फेवरेट वेपन से 3-4 किल सिर्फ 2-3 मिनट में निकाल देते हो तो आपको 500-600 ग्लोरी सिर्फ 15-20 मिनट में मिल जाएगी। अब इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली ट्रिक मैंने आप लोग को एकदम फ्री में बताइए तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो कर सकते हो, प्लीज यार वीडियो को लाइक करना। और हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आप लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोग मेरे से कुछ भी बात करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दोनों ही चैनल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन हम लोग सीधा अपने नेक्स्ट गेम में आ जाते हैं जहां पर मेरे को छोटे वाली दो शॉट तो मिल जाती है और यहां पर मेरे को कोई भी एनिमी लेकिन नहीं मिलता है। बहुत देर ढूंढने के बाद मेरे को यहां पर एनिमी के फुट आते हैं, सो हम लोग फटाफट से बॉनफायर को हाथ में ले लेते हैं, फुट आ रहे, ओके एनमी, ओके डैमेज, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है सो अंदर निकल के आते हैं, ओके डैमेज, रिलोड करते हैं छोटू दो शॉटगन को, ओके इसी के साथ हम लोग को छोटू दो शॉटगन से पहला किल मिलता है। और आगे जाने में मेरे को पता चलता है कि एक और एनमी ने जंप किया टायर से, तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर गेम को होल्ड करते हैं, यहाँ पर लैंड माइन लगाते हैं, ओके मेरे पास एक ग्रेनेड भी है तो हम लोग ग्रेनेड कुक कर सकते हैं। अगर ग्रेनेड से डैमेज कनेक्ट होगा तो हम लोग रश करेंगे छोटू शॉटगन लेके, ओके इसने यहाँ पर पैक कर लिया है, ओके इसने नीचे जंप किया, चलो दोनों के दोनों डैमेज है, चलो इसका सोनिया एक्टिव है, वेट करते हैं, ओके इसके पास जिमिट्री तो नहीं होता है और हम लोग को दो किल मिल जाते हैं शॉटगन से। देन हम लोग आ जाते हैं भाई सीधा ट्रक को लेके रोबो वाले पैट के पास, और यहाँ पर ये रोबो पैट भाई कितना ज़्यादा खतरनाक लगता है। एंड इस घर के ऊपर एक एनिमी गेम को होल्ड करके बैठा है,
सो यहाँ पर ओके, उसने अभी अभी विंडो से जंप किया। ओके वेट डैमेज, भाई इसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। इसका टू शॉटर है, बड़े वाली टू शॉट हमारे पास, छोटे वाली टू शॉट है। सो मैड किट लगाते हैं। ओके वेट, स्पीड इसका नाम होता है, लेकिन हम लोग को 100 ग्लोरी मिल जाता है। देन हम लोग सीधा नेक्स्ट गेम आते हैं। यहाँ पर एक एनमी साइबर हेड ऑफ चार्ज कर रहा है। ओके डैमेज 1-6 का, चलो हम लोग को भाई हेडशॉट से किल मिल जाता है, और हेडशॉट से किल मिला है मतलब हम लोग को 100 ग्लोरी भी मिल जाएगा। देन सेफ जोन के आउटसाइड आता है, यहाँ पे एक एनमी होता है। ओके डैमेज, इसने वॉल लगाई। ओके ये पैक कर रहा है, अंदर जंप करते हैं, डैमेज वेपन को रिलोड करते हैं। ओके ये डाउन है, जल्दी से किल फिनिश करते हैं। अब क्योंकि हम लोग का पहला किल हेडशॉट से होता है, तो यहाँ पर मैं अपने ग्रेनेड से एलिमिनेट देता हूँ, क्योंकि हम लोग को भाई 24 घंटे में चाहिए होता है वेपन ग्लोरी टाइटल। और बहुत देर रैंक पुश करने के बाद, वेपन ग्लोरी पुश करने के बाद हम लोग को बहुत सारे गेम में ग्लोरी मिलता है। और हम लोग भाई इंडिया में, सॉरी हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आ जाते हैं, 2000 ग्लोरी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड में हम लोग 1000 ग्लोरी करते हैं, लेकिन हम लोग को 5000 ग्लोरी करना है 4 एपिसोड में, तो हम लोग को और भी गेम पुशिंग करनी पड़ेगी ग्लोरी। तो हम लोग सीधा नेक्स्ट गेम आ जाते हैं। यूवी लाइट में एक एनमी सो आ रहा है, और हम लोग को लगता है भाई ये छोटू शॉट गन है, लेकिन ये बड़े वाली शॉट गन होती है, 2 शॉट वाली। और एनमी ने मेरे को भाई पैराशूट में डैमेज किया होता है, सो मैट किट भी लगा लिया। ओके एनमी डैमेज, सोनी एक्टिव है। ओके इसको एलिमिनेट होने देते हैं। इधर पे एक और एनमी होता है, इधर पे मैं लूट कर रहा होता हूँ भाई, वॉल लगाने के बाद मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। देन मेरे को पता चलता है कि ये एनमी यहाँ पर गेम को होल्ड करके बैठा है। अब मैं रिवेंज लेने के मकसद से तो यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही लैंडिंग करता हूँ ये फिर से मेरे को एलिमिनेट करता है। देन हम लोग का 22 माइनस होता है, और एक बार पनौती लगती है तो भाई फिर नेक्स्ट गेम भी 23 का माइनस होता है। देन नेक्स्ट गेम में बहुत ज़्यादा होल्ड करके खेलता हूँ, वैसे मेरे 4 किल हो जाते हैं, लेकिन एक एनमी को मैं सामने स्पॉट करता हूँ। डैमेज ओके, सोनी एक्टिव है, एलिमिनेट होने का वेट करते हैं। किसने दिमित्री चालू किया है, अभी हम लोग कंटेनर से ऊपर कैसे, हाँ इधर पे बॉक्सिस है, बट वेट उसको रिवाइव मिल गया है, सो वेट हम लोग बॉक्सिस से जंप करते इसकी वॉल को फोड़ते हैं। ओके डैमेज, डैमेज तो है एनमी, चलो इसी के साथ हम लोग को यहाँ पर पहला किल मिलता है। कंटेनर पर पैक करके हील अप कर लेते, और यहाँ पर फाइट हो रही है, सो हम लोग जल्दी से ऊपर निकल के आ जाते हैं। ओके इधर एक एनमी है, डैमेज छोटू शॉटगन से भी डैमेज किया है। ओके सोनिया एक्टिव, बट ये पीछे वाला एनमी ने थर्ड पार्टी कर दिया एनमी के साथ, तो हम लोग वॉल लगा के हील अप कर लेते, और उस एनमी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एम लेते, M60 है सो बैठ के मारेंगे। ओके मिस डैमेज, उसने वॉल लगाई, उसके ऊपर मार्क तो आ रहा है बट वो परमानेंट कवर में चला गया। सो हम लोग जल्दी से M60 को रिलोड करते, हम लोग के पास 5 ही किल होते, और ये वाली ग्लोल को तोड़ते, इधर लूट बॉक्स से लूट करते, वेट करते उसके बाहर निकलने का। ओके इसने डैम, एक और एनमी है नीचे, वॉल लगाते SVDY ले लेते, इसके पास SVDY, SVDY का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। ओके सेफ जोन चलते, वेट यहाँ पर सीरियसली ये गेम में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, लेकिन एलिमिनेट होने का मतलब, बट मेरे को 40 का ग्लोरी मिल जाता है। देन मैं नेक्स्ट गेम आता हूँ, यहाँ पर भाई मैं आराम से लूट कर रहा होता है, एक एनमी मेरे को दिखता है। अब क्योंकि मेरे पास छोटे वाली 2 शॉट होती है, तो मैं यहाँ पर रश करने आ जाता हूँ, पीछे भी एक एनमी होता है, तो इस एनमी के ऊपर मेरे को रश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसको डैमेज करता हूँ, बट यहाँ पर मेरे साथ मोई हो जाता है, और मेरे को भाई छोटू 2 शॉट का सिर्फ 6 ग्लोरी मिलता है। देन मैं नेक्स्ट गेम जंप करता हूँ ब्लू जोन में, और यहाँ पर मेरे हाथ में ट्रॉगन की जगह मिनी यूजी आती है, बट मैं एनमी को एलिमिनेट कर लेता हूँ। यहाँ पर बॉनफायर लगाते हैं, जल्दी जल्दी मैट किट लगाते हैं भाई ब्लू जोन और पी को, वहाँ पर तो भाई एनमीज का भंडार होता है। ओके हेडशॉट, मतलब के 3 किल हो गए, एक और एनमी मेरे को दिख रहा है ग्लूअल के उस साइड। अब यहाँ पर तुम लोग नोट करना, मेरे पास ग्लूअल नहीं होती है, मैं एक एनमी को सामने स्पॉट करता हूँ, मैं उसको डैमेज करता हूँ, यहाँ पर ग्लूअल लगाता हूँ, मतलब अपने एम को नीचे करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो ग्लूअल होती नहीं, बट कोई ना हम लोग को रिवाइव मिल जाता है। मैं आ जाता हूँ फैक्ट्री के रूफ पे, यहाँ पर एक एनमी होता है, उसको सरप्राइजली भाई रेड नंबर का व्हाइट मिक्सचर मार के, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, रेड व्हाइट का मिक्सचर मार के यार इसके लूट बॉक्स से लूट करता हूँ। नीचे से एक एनमी मेरा एम ले रहा होता है, थोड़े से शॉट्स रिकॉल होते हैं, फिर मैं स्कोप को होल्ड करता हूँ, देन वो पीक दे रहा होता है। ओके वेट रिकॉल, ओके डैमेज हेडशॉट के 5 किलो जाते हैं, लेकिन यार यहाँ पर ना अभी भी अंदर से खुशी नहीं होती। अब खुशी क्यों नहीं होती आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि ये किल्स मेरे छोटे वाली 2 शॉट से नहीं होते हैं,
देन यहाँ पर मैं पोचिनॉक पे लूट कर रहा होता हूँ। भाई ये एनमी क्या ही तो स्पैम करता है, और कवर में जाने के बाद भी मेरे को एलिमिनेट कर देती है गैरिना। वैसे इतने ज्यादा दुख होते हैं जिंदगी में, कहीं चैनल ना चलने का, कहीं व्यूज ना आने का, कहीं आप लोग के लाइक ना करने का, और फिर भाई ये गैरिना भी मेरे साथ मोई मोई करती है। अब यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके आता हूँ, बट यहाँ पर फिर से मेरे साथ मोई मोई होता है, तो मैं ड्रोन को एक्टिव करता हूँ। ड्रोन ने हिट किया, एनमी डैमेज है। ओके हम इसके आगे निकल के आ गए, इसका सोनी एक्टिव है। वेट, ओके चलो ये डाउन है, जल्दी किल फिनिश कर लेते, इसका सोलर जाइन है। यहाँ पर हम लोग को पहला किल तो मिल जाता है छोटू दो शॉट से, क्योंकि यहाँ पर फाइट हो रहा है। और भाई यहाँ पर मेरी ड्राइविंग स्किल देख रहे हो, मेरे को गलती से लाइसेंस मिल गया है। नहीं मेरे पास स्किल भी नहीं है, और ये पीछे वाला टायर फंस गया। हम लोग जंप तो नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में आके फंस जाएंगे नहीं तो। यहाँ पर एक एनिमी बचा हुआ है, और ओके हम लोग एग्जिट तो किए। डैमेज, वेपन रिलोड करते। ओके चलो हम लोग को दो किल मिल गए। यहाँ पर एक और एनिमी, और सेफ जोन देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है। और ये वाले एनिमी के पास चलते, इसने भी डैमेज कर दिया, ये भी बैकफुट ले रहा है। ओके शॉट मिस, शॉटगन रिलोड करते। एंड ओके इसका सोनी एक्टिव। वेट, यहाँ पर सेफ जोन में मैं भी एलिमिनेट हो जाता हूँ, और सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं ध्यान होता है कि मैं सेफ जोन के इतने ज़्यादा बाहर हूँ। और यहाँ पर हम लोग सेफ जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे को 66 का ग्लोरी मिल जाता है। देन मैं नेक्स्ट गेम आता हूँ, मेरे को सिर्फ 20 का प्लस चाहिए होता है इलीट हीरोइक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक एनिमी को स्पॉट करता हूँ, यहाँ पर भाई ये वुकोंग बन जाता है, डैमेज होता है, वॉल लगाता हूँ, लेकिन इसको दो शॉट भी कनेक्ट करता हूँ, बट ये मेरे को एलिमिनेट करता है और मेरा रैंक माइनस होता है, तो फिर मैं गेम को ऑफ कर लेता हूँ। अब तुम लोग देख सकते हो मैंने संडे से पुशिंग स्टार्ट की है। संडे को हम लोग 3 आवर्स खेलते हैं, और मंडे को हम लोग गेम नहीं खेलते, फिर ट्यूसडे को गेम खेलते हैं, ट्यूसडे को हम लोग 3 आवर्स 26 मिनट खेलते हैं। अब हम लोग मंडे को क्यों गेम नहीं खेलते, क्योंकि एक दिन हम लोग गेम खेलते, एक दिन हम लोग एडिटिंग करते। तो तुम लोग देख सकते हो मंडे को मैंने एडिटिंग की है, तो मंडे को मेरा काइन मास्टर का टाइम ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग एक दिन, मतलब हम लोग नेक्स्ट मंडे तक टाइटल भी ले लेंगे और अपने एपिसोड्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो में अगर आप लोग को कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हाँ चैनल पर नए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ड्रॉप कर देना।